સાથે સૂત્રો રાજવીર સિંહ ઉર્ફ મલક સિંહ વ સતનામ સિંહ ઉર્ફ શૈલેન્દ્ર સિંહ કે ઉપર ગુલેરિયા થાને કે પોલીસ ને ગેંગસ્ટર એક્ટ કે તહેત કી કાર્યવાહી એસપી નોર્થ મનોજ કુમાર અવસ્થી ને દી જાણકારી। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रस्तावित मास्टर प्लान में 1,843 एकड़ में लगेंगे उद्योग, आवासीय, व्यावसायिक व अन्य सुविधाओं का भी है प्रावधान। इंडस्ट्रियल टाउनशिप को रोड के साथ रेल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने पर होगा खास ध्यान। हत्या लूट के चार शातिर अभियुक्तों हरीश, राजन तिवारी, सुभाष प्रजापति व जयंती देवी के ऊपर गगहा थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का जिला प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है वोटर आईडी कार्ड। 15 आवेदन पत्र हुए हैं प्राप्त। ऑनलाइन कार्ड भी बनकर हो चुका है साइट पर अपलोड। कार्ड बनने से शासन की योजनाओं का ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा लाभ। निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी 3 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष 2.5 लाख, मेयर के प्रत्याशी अधिकतम राशि 40 लाख तक ही कर सकेंगे खर्च। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। खिचड़ी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 खिचड़ी मेला स्पेशल बस को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। कहा यह बस गुरुवार से 20 फरवरी तक श्रद्धालुओं को शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचाएगी मंदिर और ले जाएगी मंदिर से उनके गंतव्य तक। देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले व भारत की एकता और शक्ति के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर सपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए सपा कार्यकर्ता है कृत संकल्पित। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने अधिकारियों व कर्मचारियों में वायरलेस सेट का किया वितरण। कहा वायरलेस सेट के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को आपसी संवाद बनाने में होगी आसानी। मेला को सकुशल करवाया जाएगा संपन्न। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा बनाया जाएगा गरिमा गृह, दिया जाएगा व्यवसायिक प्रशिक्षण। ट्रांसजेंडर भी बनेंगे आत्मनिर्भर। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय में लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी। छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। संग्रहालय के उप निदेशक ने दी सरदार पटेल के जीवन की सभी जानकारियां। ठंड की दस्तक के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को रात गुजारने के लिए नगर निगम के सभी 13 रैन बसेरा की व्यवस्था हुई दुरुस्त। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा रैन बसेरों में ठहरने वालों से नहीं लिया जाता है कोई चार्ज। और 66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। बनारस मंडल बना ओवरऑल चैंपियन। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के शाहरुख खान बने ओवरऑल व्यक्तिगत चैंपियन। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सभी के प्रति व्यक्त किया आभार।